दोस्तों साउथ अमेरिका के अमेज़न बेसिन स्थित बोलिविया में आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसी लॉस्ट सिटी के सबूत मिले जो कि करीब 500 से लेकर 1400 एडी तक यहां पर मौजूद थी और जिसमें रहने वाले लोगों ने किन्हीं अज्ञात कारणों से इसे छोड़ दिया था। हालांकि यह इकलौती ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी दुनिया भर में ऐसी बहुत सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स मौजूद हैं जिन्हें देखने के बाद आपको उन पर विश्वास नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, हिडन डेजर्ट टूम। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट के लिए टेंपल ऑफ लियोडिशिया एक चैलेंज की तरह है, जिसे ग्रीक किंग एंटियोशस टू थियोस ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, इसलिए इस टेंपल की खोज में काफी समय से एक्सकेवेशन कार्य चल रहे हैं। हालांकि अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट को ये टेंपल तो नहीं मिला, लेकिन इसकी खोज में कई राज सामने आ चुके हैं जिन्होंने सभी को काफी चौंकाया है। ऐसा ही एक आर्कियोलॉजिकल राज हमारे सामने आया ईरान के नाहवंड प्रोविंस में, जब आर्कियोलॉजिस्ट को इस जगह से इसी टेंपल की खोज में एंशिएंट एरा का टूम मिला। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये टूम काफी समय से डेजर्ट में छुपा हुआ था, जिस कारण ये किसी की नजर में नहीं आया। खैर, ये टूम किसको बिलोंग करता था ये तो नहीं पता चला, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को इस जगह से सिर्फ एक खाली कॉफिन और कुछ एंशिएंट सामान बरामद हुआ, जिससे कुछ भी पता लगाना काफी मुश्किल है। वैसे इस टूम की डिजाइन और बनावट को देखते हुए ये बात तो श्योर है कि ये किसी न किसी खास आदमी के लिए बनाया गया होगा। नंबर 9, डीमन ट्रैप्स। साल 17 एडी में इटली के सार्डिस नाम की जगह पर एक ऐसा भूकंप आया था जिसने इस जगह को रातों रात जमीन में मिला दिया था। इस भूकंप की वजह से ये जगह पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जिसे दोबारा बनाने में काफी वक्त लगा था। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट इस सिटी को दोबारा बनाए गए स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते रहते हैं, जिससे उन्हें इस प्राचीन सिटी के बारे में जानने को मिले। इसी स्टडी में किए रहे एक्सकेवेशंस में आर्कियोलॉजिस्ट को एक चौंकाने वाली चीज मिली। उन्हें इन स्ट्रक्चर्स पर किए गए एक्सकेवेशंस में लगभग हर स्ट्रक्चर के नीचे अजीब से घड़े के अंदर कुछ जादुई चीजें मिली। इन चीजों में एग्शेल, ब्रॉन्ज टूल और कई कॉइन्स शामिल थे। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक अर्थक्वेक की वजह से यहाँ के लोग काफी डर गए होंगे, इसलिए जब वो दोबारा इस जगह को बना रहे होंगे तो उनके बिलीफ के अकॉर्डिंग उन्होंने बुरी ताकतों से अपने शहर को बचाने के लिए इन चीजों को बिल्डिंग्स के फाउंडेशंस में डाल दिया होगा, जिससे उसकी रक्षा हो सके। दोस्तों इन्हीं चीजों को आर्कियोलॉजिस्ट डीमन ट्रैप्स कहते हैं, क्योंकि इन्हें डीमंस की बुरी ताकत से बचने के लिए ही यहाँ दफनाया गया था। नंबर 8, अ लॉस्ट पिरामिड ऑफ नोहास आर्क। 1946 में डिस्कवर हुए 2000 साल पुराने डेड सी स्क्रॉल्स पर हुई लेटेस्ट स्टडी ने नोहास आर्क से जुड़ी एक मिस्ट्री को सुलझाने में आर्कियोलॉजिस्ट की काफी मदद की है। पहले ये बिलीव किया जाता था कि नोहास आर्क एक वेसल था जिसे गॉड ने नोहा और उसकी फैमिली को प्रलय से बचाने के लिए भेजा था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डेड सी स्क्रॉल्स पर हुई डिटेल्ड स्टडी में जब इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे से अलग अलग कलर वेवलेंथ्स पर फोटोज ली गई, तो ये मालूम चला कि नोहास आर्क एक वेसल नहीं बल्कि एक पिरामिड नुमा कोई चीज थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन मैन्युस्क्रिप्ट्स की संख्या लगभग 800 थी, जिनके एक चौथाई से ज्यादा पार्ट हिब्रू बाइबल से लिए गए थे। हालांकि इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में तो ये चीज मेंशन है, लेकिन क्या सच में ये नोहास आर्क नाम की कोई चीज थी भी, इसके बारे में कोई भी फिजिकल सबूत अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ नहीं लगे हैं। नंबर 7, लॉस्ट हेलेनिस्टिक सिटी। इल्लियरियन लॉस्ट सिटी बेसानिया के बारे में कहा जाता है कि ये सिटी लगभग 2000 साल पहले तक एग्जिस्टेंस में थी, लेकिन इल्लियरियन लोगों से हुई रोमन वॉर्स में ये सिटी पूरी तरह से तबाह हो गई और पूरी तरह से दुनिया के नक्शे से मिट गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2018 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस लॉस्ट सिटी को आखिर खोज ही निकाला। मॉडर्न डेज के अल्बानिया में इस सिटी के रुइंस आज भी मौजूद हैं। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट जिस बात को मानते हैं कि ये आखिरी इल्लियरियन सिटी थी जहां पर रोमन्स और जिस जगह से नेटिव लोगों के बीच वॉर हुई थी, और इस सिटी के गिरने के बाद रोमन्स ने इस जगह को पूरी तरह से हथिया लिया था। एक्सकेवेशन में कई आर्टिफैक्ट्स बरामद हुए हैं जो कि करीब 4000 साल पुराने हैं, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट को ये उम्मीद बंधी है कि अल्बानिया में 20 हेक्टेयर एरिया में मिले ये रुइंस इस सिटी से जुड़े रहस्यों को जल्द ही सामने लाने का काम करने वाले हैं। होप कि जल्द ही हमें इस मिस्टीरियस सिटी के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा। नंबर 6, द लॉस्ट सिटीज ऑफ अमेज़न। दोस्तों साउथ अमेरिका के अमेज़न बेसिन स्थित बोलिविया में आर्कियोलॉजिस्ट को एक लॉस्ट सिटी के सबूत मिले जो कि करीब 500 से लेकर 1400 एडी तक यहां पर मौजूद थी।
मैपिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर जब इस जंगल को स्कैन किया गया तो आर्कियोलॉजिस्ट को इस जगह पर इस सिटी के सबूत मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सिटी के लोग एक दूसरे से रोड्स और परमानेंट सेटलमेंट से कनेक्टेड थे, जहां पर फ्रेश वाटर, रिचुअल प्लेसेस से लेकर हर चीज की व्यवस्था थी। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इस जगह पर कासारेब कल्चर के लोग रहा करते थे, जो कई सालों तक यहां रहे। लेकिन मिस्ट्री ये रही कि इतने घने और खतरनाक जंगल में भी सरवाइव कर लेने वाले इन लोगों ने आखिर क्यों इस सिटी को छोड़ दिया। होप कि आने वाले सालों में इस जगह पर होने वाली स्टडी में हमें इस बात का भी जवाब मिल सकेगा। नंबर 5, द माउंट इबाल ऑल्टर। आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात का बिलीव है कि हिब्रू बाइबल की बुक ऑफ जोशुआ में मेंशन्ड ऑल्टर उन्होंने खोज निकाला है। दरअसल 1980 में इसराइल के वेस्ट बैंक इलाके में हुए माउंट इबाल में एक्सकेवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को एक आयरन एज का ऑल्टर मिला है, जो कि बुक ऑफ जोशुआ से मेल खाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ऑल्टर आयरन एज का है, जिससे जोशुआ की टाइमलाइन भी इससे मेल खाती है। और इसकी बनावट की तरफ नजर डालें तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि इस जगह से उन्हें एनिमल बोन्स और उनकी एशेस से भरा पूरा बेड मिला है, जिससे उनका बिलीव है कि इस ऑल्टर को एक सैक्रिफाइस प्लेस के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता होगा। इस ऑल्टर के मिलने के बाद काफी बातें शुरू हो गई हैं कि क्या सच में ये वही ऑल्टर है। और अगर ये बात सच है तो यकीन मानिए कि हिब्रू बाइबल में मेंशन्ड और भी चीजों के ऊपर रिसर्च तेज होने वाली है। नंबर 4, ऑफरिंग्स ऑफ टेम्पलो मेयर। टेम्पलो मेयर मेक्सिको के लोगों का सबसे प्राचीन और सबसे डिवोटेड धर्म स्थलों में से एक है, जिसका निर्माण साल 1325 में शुरू किया गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एस्टेक लोगों के इस आराध्य स्थल को साल 1521 में हुए स्पैनिश हमले में पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट इस बात पर बिलीव करते हैं कि इस टेम्पल में एस्टेक कल्चर के लोग अपने गॉड्स की पूजा किया करते थे, जिसमें हुइट्ज़िल और पोस्टली, जिसे वो गॉड ऑफ वॉर, और टललॉक, जिसे वो गॉड ऑफ रेन एंड एग्रीकल्चर के रूप में पूजते थे। आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को भी मानते हैं कि ये जगह किसी जमाने में काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस और डेवलप्ड रही होगी, लेकिन स्पैनिश हमले की वजह से अब ये लगन पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। इस जगह से आर्कियोलॉजिस्ट को कई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिन्हें उस जमाने के प्रीस्ट ने गॉड को ऑफरिंग्स के रूप में चढ़ाया होगा। बहरहाल, सालों तक देखरेख के अभाव में वीरान पड़ी ये आर्कियोलॉजिकल साइट फिलहाल में मेक्सिकन गवर्नमेंट के हाथों में है, जिसे साल 1987 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर लिया गया था। नंबर 3, मिस्टीरियस बरियल साइट एट कैलेंडरिस। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ टर्की पर आज से 2800 साल पहले की एंशियंट सिटी कैलेंडरिस के होने के सबूत मिले हैं। इस एंशियंट सिटी रीजन में की गए एक्सकेवेशंस में आर्कियोलॉजिस्ट एक इन्फेंट बरियल साइट मिली है, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। इस बरियल साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 150 इन्फेंट्स रिमेन्स मिले, जो कि एक सेंट्रल इन्फेंट के इर्द गिर्द दफन थे। और इन इन्फेंट्स का इस तरह से मिलना किसी शॉकिंग न्यूज से कम नहीं है। हालांकि सवाल यह है कि आखिर इन बच्चों को इस तरह से क्यों दफनाया गया, इसका एक्सप्लेनेशन एक्सपर्ट्स के पास भी नहीं है। दोस्तों, इस बरियल साइट से एक फर्नेस भी डिस्कवर हुआ है, जिसके रिगार्डिंग आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसे किसी जमाने में कमर्शियली यूज किया जाता होगा। ऐसी अजीब अजीब प्रकार की चीजों के मिलने की वजह से ये जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस आज भी बनी हुई है, जिसके जवाब ढूंढने में आर्कियोलॉजिस्ट लगे हुए हैं। होप कि उन्हें उनके जवाब जल्द से जल्द मिल पाए। नंबर 2, लॉस्ट सिटी अंडर द ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन के बारे में कई सारी कहानियां प्रचलित में हैं। इन कहानियों में से एक है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि इस जगह के नीचे एक रहस्यमय शहर छुपा हुआ है, जहाँ पर जाइंट्स रहते हैं। इस कहानी को हवा देने का सबसे पहले काम हुआ साल 1909 में, जब एरिजोना गैजेट में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के एक आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर किनकेट की एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस रिपोर्ट में ग्रैंड कैनियन के नीचे एक एंशियंट इजिप्शियन सिटी के होने की बात कही गई थी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि इस जगह पर उन्हें कई सारे जायंट्स की ममीज और अन्य आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं, जो जायंट्स और मॉन्स्टर्स को बिलोंग करते हैं। इस खबर से पूरे इलाके में तहलका मच गया, लेकिन जब स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट से इस बात के सबूत मांगे गए तो वो उन्हें देने में आनाकानी करने लगे। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि किनकेड नाम का कोई इंसान ना तो उनके यहाँ कभी रहा है और ना ही उन्होंने उनके साथ काम कभी किया है। इसलिए फिलहाल तक तो ये लॉस्ट सिटी आज तक लॉस ही है, क्योंकि इससे जुड़े कोई भी फिजिकल सबूत दुनिया के सामने नहीं आ पाए हैं।
नंबर एक, मिस्टीरियस इथोपियन चर्च। दोस्तों साल 2019 में अफ्रीका के नॉर्दर्न इथोपिया में आर्कियोलॉजिस्ट को इस रीजन की सबसे पुरानी क्रिश्चियन चर्च के रुइंस मिले हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि यह चर्च लगभग 4th century AD का है, यानी कि जीसस क्राइस्ट से लगभग 300 साल बाद का है। कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी दुनिया में सबसे तेज फैलाने वाला धर्म है, लेकिन इस रीजन में इस ओल्डेस्ट चर्च के मिलने के बाद ये थ्योरी थोड़ी सी सस्पेंसफुल लगती है, क्योंकि यूरोप से लगे होने के बावजूद भी क्रिश्चियनिटी को यहाँ तक स्प्रेड होने में करीब 300 साल लग गए थे। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस चर्च की टाइमलाइन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसको एम्परर कॉन्स्टेंटाइन वन के रीजन के दौरान बनाया गया होगा, क्योंकि उन्होंने 313 एडी में क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज कर खुद भी उसे अपनाया था। इस चर्च के मिलने के बाद से इस इथोपियन चर्च रीजन के ऊपर आज भी रिसर्च जारी है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि इस रीजन में किस एक्सटेंट तक क्रिश्चियनिटी फैली हुई थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।